हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो बेटा, आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो का एक और टॉपिक, दैट इज वेयर डू माइक्रोब्स लिव्स, कि आखिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते कहाँ हैं। पिछले सेशन में हमने देखा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर ऐसे लिविंग बींग्स हैं जो साइज में इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि उन्हें ह्यूमन आइज से या फिर अनएडेड आइज से नहीं देखा जा सकता है। उनको देखने के लिए स्पेशल डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है, जैसे कि माइक्रोस्कोप्स, मैग्नीफाइंग ग्लास। इन सारी डिवाइसेस से हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि हमारे आसपास में कई टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं वेयर डू माइक्रोब्स लिव्स। बेसिकली हम इस सेशन में बात करने वाले हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं, आखिर कहाँ पाए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो क्या उनका कोई घर है, कोई फ्लैट है, कोई गांव है जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं? सो बेटा, उनका कोई घर, गांव, फ्लैट ऐसा तो कुछ होता नहीं है। तो फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ पाए जाते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, हमारी बॉडी के बाहर पाए जाते हैं, सॉइल में, एयर में, वाटर में, तो हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। सो हम कह सकते हैं दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड एवरीवेयर। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड एवरीवेयर इन ऑल टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स। किसी भी तरह का हैबिटेट हो, चाहे हॉट एनवायरनमेंट हो, चाहे कोल्ड एनवायरनमेंट हो, चाहे रेनी सीजन हो, किसी भी तरह का एनवायरनमेंट हो, हर तरह के हैबिटेट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट रहते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बॉडी के अंदर भी हैं, बॉडी के बाहर भी हैं, एयर में भी हैं, सॉइल में भी हैं, वाटर में भी हैं। तो जहाँ जहाँ आप नज़र घुमाओगे वहाँ वहाँ आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पाओगे। जहाँ जहाँ आप नज़र घुमाओगे वहाँ वहाँ आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखाई देंगे। तो इसका मतलब यह है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर जगह पाए जाते हैं। जैसा मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सॉइल में पाए जाते हैं। सॉइल में कैसे पाए जाते हैं? जो हमारी सॉइल होती है, जैसे ये है प्लांट, ठीक है, ये एक प्लांट है और ये है इसकी सॉइल में यह प्लांट लगा हुआ है। सॉइल में ये प्लांट लगा हुआ है एंड ये है प्लांट की रूट्स, ये है प्लांट की रूट्स, ये है हमारी सॉइल, ठीक है बच्चे। अब इस सॉइल में जो सबसे ऊपर की लेयर होती है, जो सॉइल में सबसे ऊपर की लेयर जो होती है वो होती है हमारी हमस लेयर। वो होती है बच्चे हमस लेयर, जिसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में माइक्रोब्स प्रेजेंट रहते हैं। क्या होते हैं इसमें? बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में माइक्रोब्स प्रेजेंट रहते हैं। ये माइक्रोब्स क्या करते हैं? ये माइक्रोब्स इस सॉइल से इस प्लांट को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाते हैं। ये माइक्रोब्स इस सॉइल से इस प्लांट को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे यह अच्छे से ग्रो कर पाए, जिससे यह अच्छे से ग्रो कर पाए। तो जो सॉइल होती है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पील ऑफ वेजिटेबल, पील ऑफ वेजिटेबल यानी कि वेजिटेबल के छिलके होते हैं, पील ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स के छिलके होते हैं, एंड डेड एनिमल्स, डेड एनिमल्स, ड्राई लीव्स, ड्राई ब्रांचेज, इन सारी चीज़ों का डिकम्पोजिशन कौन करता है? इन सब को डिकम्पोज कौन करता है बताइए? हम जब चैप्टर नंबर 1 पढ़े थे उसमें मैंने आपको अच्छे से बताया था कि इन सब को डिकम्पोज करते हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इन सब को डिकम्पोज करते हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और डिकम्पोज करके ये इनको मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं। किस में कन्वर्ट कर देते हैं? मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं। और जो मैन्योर है वह सॉइल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाता है, जिससे कि हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो करता है। तो हमारी सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट रहते हैं।
एंड आपके घर में जो पानी की टंकी होती है, आपके घर में जो पानी की टंकी होती है, अगर हम उसको ज़्यादा दिन तक साफ ना करें, अगर हम पानी की टंकी को ज़्यादा टाइम तक उसको क्लीन नहीं करेंगे और उसमें कंटिन्यू पानी फिल करते जाएंगे, तो क्या होता है कि उसका जो तला होता है उसमें एक ग्रीन कलर की लेयर बन जाती है। क्या बन जाती है बच्चे? ग्रीन कलर की एक बन जाती है लेयर, और वो लेयर क्या होती है? वह लेयर होती है एल्गी। और एल्गी क्या है? एल्गी एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। एल्गी क्या है? एल्गी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो वहाँ पे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं? जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास एक ब्रेड की स्लाइस है और उसमें आप पानी डाल के उसको 2-3 दिन के लिए छोड़ दोगे, तो कुछ दिन बाद देखोगे कि उस पर वाइट ग्रेस कलर के पैचेज आ जाते हैं। तो वो वाइट ग्रेस कलर के पैचेज क्या हैं? दैट आर फंगस। वो क्या है बच्चे? फंगस। तो फंगस क्या है? फंगस भी एक माइक्रो ऑर्गेनिजम है। फंगस भी एक माइक्रो ऑर्गेनिजम है, ठीक है। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ पाए जाते हैं? और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम बॉडी के अंदर क्यों पाए जाते हैं, बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या काम है? तो बच्चे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल हैं। कैसे हेल्पफुल हैं? जैसे कि डाइजेशन में। डाइजेशन में कैसे हेल्पफुल हैं? जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है, जो हमारा कॉम्प्लेक्स फूड होता है, उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं। उसको क्या करते हैं? सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे डाइजेशन में हेल्पफुल हैं। हमारे बॉडी में जो खाना हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। और हमारी हेल्प कैसे कर सकते हैं? और हमारी हेल्प करते हैं इम्यूनिटी। जब खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा तो उससे क्या होगा? हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी। और हमारे जो पैथोजेंस होते हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करते हैं। जो पैथोजेंस हमारी बॉडी में पाए जाते हैं उनसे भी हमें प्रोटेक्ट करते हैं। अब ये पैथोजेंस क्या होते हैं? तो बेटा पैथोजेंस होते हैं बैड बैक्टीरिया। जो बैड बैक्टीरिया हमारी बॉडी में होते हैं ये उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं। जो गुड बैक्टीरिया होते हैं वो बैड बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है उसको रोक देते हैं। इसलिए ये हमारी बीमारियों से रक्षा करते हैं या फिर हमें बीमारियों से प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें ये हमारे लिए करते हैं। इसलिए जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वह हमारी बॉडी में भी पाए जाते हैं और हमारी बॉडी के बाहर भी पाए जाते हैं, हमारी स्किन के ऊपर भी पाए जाते हैं। जब आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको दिखाई देंगे। तो आपको समझ में आया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर जगह प्रेजेंट रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर जगह प्रेजेंट होते हैं, चाहे कोल्ड एनवायरनमेंट हो, चाहे हॉट एनवायरनमेंट हो, चाहे रेनी सीजन हो, किसी भी तरह का हैबिटेट हो, हर तरह के हैबिटेट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है बच्चे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ पाए जाते हैं। चलिए हम एक बार पढ़ लेते हैं। दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट, आइस कोल्ड क्लाइमेट से लेके हॉट स्प्रिंग्स। चाहे कितना ही ठंडा मौसम हो, चाहे कितना ही गर्म मौसम हो, हर मौसम में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। एंड डेजर्ट्स टू मार्सीलैंड्स, डेजर्ट में भी पाए जाते हैं, मार्सीलैंड्स में भी पाए जाते हैं, यानी कि जो मडी लैंड्स होती हैं, जो दलदल रहता है उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स। जैसा मैंने बताया था कि एनिमल्स की बॉडीज में भी पाए जाते हैं, ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी में पाए जाते हैं, ह्यूमन बीइंग्स भी एनिमल्स में ही इंक्लूड होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो गाय भैंस होती हैं वही एनिमल्स में आती हैं, हम ह्यूमन बीइंग्स भी एनिमल्स में ही इंक्लूड होते हैं। तो दे आर ऑल्सो फाइंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स।
सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन द अदर ऑर्गेनिजम्स वाइल अदर्स एग्जिस्ट फ्रीली। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड रहते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि उनको अपने खाने के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड होना पड़ता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे होते हैं जो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी पर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं इसके बारे में। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मे बी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ, और मल्टी सेलुलर सच एज मैनी एल्गी एंड फंजाई। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है? यूनिसेलुलर का मतलब है कि उनकी बॉडी एक सिंगल सेल से बनी हुई है। यूनिसेलुलर का मतलब होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी सिंगल सेल से बनी हुई है, और मल्टी सेलुलर का मतलब है कि ऐसा कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या ऐसा कोई लिविंग बीइंग जिसकी बॉडी कई सारे सेल से मिलके बनी हुई है। तो जो बैक्टीरिया है वह सिंगल सेल लाइक स्ट्रक्चर है, उसकी जो बॉडी है वह सिंगल सेल से बनी हुई है। कुछ फंजाई एंड प्रोटोजोआ भी ऐसे हैं जो सिंगल सेल से बने हुए हैं, कुछ एल्गी एंड प्रोटोजोआ भी ऐसे हैं जो सिंगल सेल से बने हुए हैं, और कुछ एल्गी और फंजाई ऐसे हैं जो मल्टी सेल से बने हुए हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है, जो उनका ऑर्गेनिजम्स का जो स्ट्रक्चर है, वह सिंगल सेल से भी बना हो सकता है और मल्टी सेल से भी बना हो सकता है। तो ये दोनों तरह से पाए जा सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं और सिंगल सेलुलर भी या फिर यूनिसेलुलर भी होते हैं। अब ये सेल क्या होता है, इस सेल का क्या मतलब है? मैंने आपको ये तो बता दिया कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी सेल से बनी होती है। तो बेटा सेल जब बेसिक यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसको हम बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ भी कहते हैं, जिसे हम बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। यानी कि हमारी जो लाइफ है, हमारी जो बॉडी है, वह है सेल से मिलके बनी हुई है। हमारी बॉडी मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस सेल से मिलके बनी हुई है। हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं। बॉडी किस तरह से बनी है? कई सारे सेल मिलके, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके कोई भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके क्या करते हैं? कोई भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स को हमने बोल दिया फिर टिश्यू। हमने क्या बोला उनको? टिश्यू। कई सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं। कई सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, जैसे कि हमारी आईज है। अब हमारी आईज ऐसा तो है नहीं कि सिंगल सेल से बनी हुई है, तो हमारी आई का काम क्या है? हमारी आईज का काम है ऑब्जर्व करने का, देखने का। तो कई सारे ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं? हमारे देखने का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, और उसको हमने नाम दे दिया क्या? टिश्यू। उसे हमने नाम दे दिया टिश्यू। और कई सारे टिश्यू मिलके क्या बना रहे हैं? ऑर्गन। जो हमारी आईज बनी हुई है वह कई सारे टिश्यूज से मिलके बनी हुई हैं, और ऑर्गन मिलके बनाते हैं ऑर्गेनिज्म। कई सारे ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, तो सेल क्या है? सेल इज अ बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। सेल क्या है? सेल इज अ बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। तो अब हम इसके बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वह किस तरह से बने हुए थे। तो ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स यहाँ लिखते हैं, ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। ऑर्गेनिजम्स कैसे हो सकते हैं? यूनि
सेलुलर भी हो सकते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर को हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक एंड मल्टीसेलुलर को हम बोलते हैं यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक में आते हैं हमारे बैक्टीरिया, इसमें क्या आएगा हमारे बैक्टीरिया, सम फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोआ, ये सब किस में आएंगे, ये सब आते हैं यूनिसेलुलर में। और मल्टीसेलुलर में आते हैं हमारे ह्यूमन बीइंग्स, मल्टीसेलुलर में कौन आएगा बच्चे, ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स और सम एल्गी एंड फंजाई। कुछ एल्गी और फंजाई ऐसे भी होते हैं जो मल्टीसेलुलर होते हैं, ठीक है। तो जो हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वह यूनिसेलुलर हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर हो सकते हैं। यूनिसेलुलर में होता है बैक्टीरिया, सम फंजाई, एल्गी एंड प्रोटोजोआ। मल्टीसेलुलर में होते हैं ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स, सम एल्गी एंड फंजाई। अब यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में क्या फ़र्क है, तो यूनिसेलुलर का मतलब ये है कि जो बैक्टीरिया है उसकी जो बॉडी है वह एक सिंगल सेल से मिलकर बनी हुई है। जो बैक्टीरिया और कुछ एल्गी फंजाई प्रोटोजोआ हैं उनकी बॉडी सिर्फ एक सिंगल सेल से बनी हुई है, लेकिन मल्टीसेलुलर में ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनकी बॉडी बहुत सारे सेल्स से मिलके बनी होती है। मल्टीसेलुलर में ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनकी बॉडी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स से मिलके बनी होती है, उन्हें कहते हैं हम मल्टीसेलुलर। और जिनकी बॉडी सिर्फ एक सिंगल सेल से बनी होती है वो होते हैं यूनिसेलुलर। तो बेटा जो सेल है वह हमारी बॉडी में कई तरह के फंक्शंस परफॉर्म करती है, जैसे कि रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एट्सेट्रा, इस तरह के बहुत सारे फंक्शंस सेल परफॉर्म करती है। तो डिफरेंट एनिमल्स में सेल की जो स्ट्रक्चर होती है, जो साइज होती है, शेप होती है, उनके काम करने का जो भी वे होता है वह सब अलग अलग होता है। डिपेंड करता है कि एनिमल की जो बॉडी है वह किस तरह की बनी हुई है, वह किस तरह के फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है, उस पर डिपेंड करती है। तो अब हम यहाँ पे सेल की एक बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि सेल किस तरह से बना हुआ होता है। आगे हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से पढ़ेंगे कि सेल किस तरह से बना हुआ है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। हमारी बुक में आगे एक चैप्टर है ऑर्गेनिजम्स के बेस पर, उसमें हम अच्छे से पढ़ेंगे कि सेल किस तरह से वर्क करता है। यहाँ पर एक छोटा सा ओवरव्यू मैं आपको दे रही हूँ कि सेल किस तरह से बना हुआ होता है। तो ये होती है सेल मेम्ब्रेन, इसको हम बोलते हैं क्या, सेल मेम्ब्रेन। अब इस सेल के अंदर भरा हुआ होता है फ्लूड भरा होता है जिसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म, जिसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। ये एनिमल सेल है, ये कौन सी सेल है बेटा, एनिमल सेल। लेकिन जो प्लांट सेल होती है वह अलग तरह से बनी होती है। प्लांट सेल कुछ इस तरह से होती है। प्लांट सेल में सेल बॉल्स पाई जाती हैं। प्लांट सेल ऐसे होती है, ये है हमारा सेल वॉल, ये है सेल वॉल और ये होता है इसमें सेल मेम्ब्रेन, ये है हमारी प्लांट सेल, दैट इज प्लांट सेल। ओके, सॉरी आर लग रहा है आपको, लेकिन दैट इज पी, ये है प्लांट सेल और ये है एनिमल सेल। तो एनिमल सेल हम पढ़ रहे हैं, ये है हमारी सेल मेम्ब्रेन और ये है इसमें साइटोप्लाज्म। तो एनिमल सेल में बहुत तरह के पार्ट होते हैं, लाइसोसोम होते हैं, राइबोसोम होते हैं, वैक्यूल होता है, ये सारी चीज़ें सेल के अंदर पाई जाती हैं। और सेल में पाया जाता है न्यूक्लियर, एक सेल में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियर पाया जाता है, जिसमें जो इसकी बाहरी साइड है ये होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये होती है क्या बच्चे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
और इसमें इसके अंदर पाया जाता है न्यूक्लियस। इसके अंदर क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है और इसी के अंदर पाए जाते हैं जीन्स एंड डीएनए। जीन्स एंड डीएनए जो कि क्या करते हैं, जब रिप्रोडक्शन करते हैं, जब वो जो लिविंग बींग्स होते हैं वो अपने ही जैसे यंग बंस को रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जो बैक्टीरिया होता है वह यूनिसेलुलर होता है। इसका मतलब ये है कि जो बैक्टीरिया है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म से सिंगल सेल से बना हुआ है, इसका मतलब यह है कि उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। तो ये होती है सेल की स्ट्रक्चर। मैंने बेसिक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे बताई है। आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किस तरह से क्लासिफाइड किया गया है। बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी, सबको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। वन बाई वन करके मैं सबको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो वीडियोज को पूरा देखें जिससे कि आपको सारे के सारे कंसेप्ट टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ जाएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें एंड बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए द नॉलेज नुक्कड़ के साथ।